कल दिल्ली जाएंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी में जीत के बाद पीएम मोदी से पहली मुलाकात होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही कैबिनेट के चेहरों पर हो सकती है चर्चा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पदाधिकारी और रणनीतिकारों के साथ की बैठक। सभी कर्मचारियों को तोहफा देकर किया सम्मानित। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बधाई देने वालों का लगा तांता। चौक चौराहों पर बीजेपी को जीत की बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए। मीडिया पर हमला बोलते हुए मायावती ने प्रवक्ताओं को सुनाया फरमान। टीवी डिबेट में शामिल होने के लिए किया मना। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर फिर ईवीएम पर खड़े किए सवाल। लिखा ईवीएम बदले जाने को लेकर चुनाव अधिकारी संज्ञान। सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आम जनता पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा जनता ने नहीं सुनी हमारी बात। मऊ में भड़काऊ भाषण मामले में नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ चार धाराएं और बढ़ा दी है। सपा सांसद आजम खान की बड़ी मुश्किलें। दो मामलों में कोर्ट से आरोपी तय। अब चलेगा मुकदमा। अलीगढ़ के वार्ष्णेय महाविद्यालय में हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश के मामले में हंगामे के बाद सख्त रोक अपनाया गया। कॉलेज ने ड्रेस कोड लागू कर किसी भी कपड़े से चेहरा ढककर प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज। बीजेपी विधायकों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में होली के बाद नई सरकार का गठन होगा। सीएम के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म। गांधीनगर में पीएम मोदी का रोड शो। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन। लखनऊ में नशे में धुत रही जादों ने सड़क पर कोहराम मचाया। बेकाबू कार की टक्कर से कई बाइक क्षतिग्रस्त। ओडिशा में लखीमपुर खीरी जैसा कांड हुआ। बानापुर में बीजेडी विधायक प्रशांत जगदेव ने लोगों पर कार चढ़ाकर 20 लोगों को कुचला। बाइक बोर्ड घोटाले के आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। रोहित चौहान रणदीप भाटी की गाड़ियां होंगी जब्त। दिल्ली के गोकुलपुरी में बड़ा हादसा। झुग्गियों में आग से 7 लोगों की मौत। 60 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दुनिया में पाकिस्तान की खुली पोल। अमेरिकी सांसद ने कहा पाकिस्तान को किया जाए आतंकवाद स्पॉन्सर देश घोषित। युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना कर रही ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका के सहयोग से बायो वेपन प्रोग्राम चलाने का आरोप लगाया। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का आज आखिरी मैच।